नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, WTC खिताब गंवाने के बाद भड़के कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ टीम में बदलाव किए हैं। तो क्या हो सकती है पूरी टीम में बदलाव, बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड के हाथों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट टीम में बदलाव के संकेत देते हुए कहा कि प्रदर्शन की समीक्षा के बाद सही लोगों को लाया जाएगा, तो अच्छे प्रदर्शन के लिए सही मानसिकता के साथ उतरें। भारतीय बल्लेबाज ने फाइनल में निराश किया, जिससे टीम को 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी। कोहली ने कहा कि कुछ खिलाड़ी रन बनाने का जज्बा ही नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम एक साल तक इंतजार नहीं करेंगे। आप हमारी सीमित ओवरों की टीम देखें तो हमारे पास गहराई है और खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी इसी की जरूरत है। कोहली ने कहा, हमें नए सिरे से समीक्षा करके प्लान बनाने होंगे। यह समझना होगा कि टीम के लिए क्या असरदार है। सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने 54 गेंद में 8 रन बनाए और अपने पहले रन के लिए 35 गेंद खेली, जहां पुजारा की जगह KL राहुल की वापसी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टेस्ट टीम में बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।